सो कैसे आप सब सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं भाई लोग आज की वीडियो हमारी काफी खास, काफी बेहतरीन, काफी कमाल की लगी होगी, क्योंकि लगेगी मतलब क्योंकि आज की वीडियो के ऊपर हम एंड्रॉइड जो गेम्स हैं, जो एप्स हैं, वो हम किस तरह से पीसी कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो जिसमें दोस्तों आप चाहते हो कि एंड्रॉइड की जितनी भी एप्स हैं वो हम यूज कर पाए, या कोई भी आपने यूज करनी है कंप्यूटर के ऊपर तो आप चाहते हो कि मैं इसको इंस्टॉल कर पाऊं, तो बहुत आसान तरीका है। लेकिन अगर आप इस वीडियो के ऊपर एंड तक देखोगे तभी आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से दोस्तों आप लोग एंड्रॉइड की एप्स यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ चुके हैं भाई लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों अगर आप लोग पीसी यूज कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या कोई भी चीज यूज कर रहे हो जिस पे आप चाहते हो यार हम लोग जो है वो एंड्रॉइड की जो एप्स है वो हम पीसी के ऊपर यूज कर पाए, आपके पास कोई भी विंडो है, कोई भी पीसी है, किसी भी कैटेगरी में है, कोई भी स्पेसिफिकेशन फीचर्स हैं, हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। आपको पता है कि कितनी छोटी वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, वो भी एंड्रॉइड के ऐप्स, वो भी कंप्यूटर के ऊपर। जी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल रियल है, और कोई जुगाड़ नहीं लगाना है, सिर्फ रियल तरीका बताऊँगा जो लोग आपको बहुत पंखों के ऊपर डाल देते हैं। कोई आपको सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना, कोई आपको मतलब फाइल यूज नहीं करनी है, कुछ भी आपको खास चीजें यूज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो मेरा तरीका होगा वो अपना ले तो यकीनन गारंटी देता है आपका भाई कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, यानी कि एंड्रॉइड की एप्स आप सिर्फ कंप्यूटर में ही यूज कर पाओगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले भाई क्रोम ब्राउजर में तो हमें जाना ही होगा, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। रात का टाइम है तो रात के टाइम मैं कहूंगा कि यार लोग जब हमारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो इस पर थोड़ी सी छेड़खानी आपने कर लेनी है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अभी दोस्तों मेरे पास यहां पर इंटरनेट अभी थोड़ा सा पकाया तो मैं इसका थोड़ा सा वेट करूंगा, तो थोड़ा सा यहां पर हमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे 3-4, ठीक है ना। यहां पर इसका मैं वेट करता हूं तो ये अनेबल हो जाएंगे। लो जी दोस्तों हमारे पास वो ऑप्शंस आ चुके हैं। इस ऑप्शन गूगल एप्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको गूगल प्ले स्टोर देखने को मिलेगा, आपने इसके ऊपर करना है भाई लोग क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ खास पेज ओपन होगा, तो भाई इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर डरना नहीं है, आपके पास अगर ये एरर आ जाता है तो इसका आपको हल मैं आपको बताता हूँ यार लोग। यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था। अच्छा यहाँ पर कोई भी चीज़ आपने सर्च कर लेनी, मान लो मैं फोटो सर्च कर लेता हूँ, सर्च करने के बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखोगे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ कैमरा साइड पर लगा हुआ है, आप देख भी रहे हो, कोई मैंने कुछ मतलब कोई अपने पंगा नहीं लिया या कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है वो मेरे पास ये अनेबल हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों क्या होगा कि मैं यहां पर मान लो किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर लेता हूं, मेरे पास कीबोर्ड आगे पड़ा हुआ है तो भाई मैं कुछ भी सर्च करता हूं। मान लो दोस्तों यहां पर मैं जो है सर्च करना चाहूंगा, चले यार हम कुछ भी सर्च करते हैं। अब मेरे जहन में कुछ भी नहीं आ रहा, हालांकि मेरे सामने एप्लीकेशन कितनी आ रही है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा कि मैं अब करूं तो करूं क्या। एंड्रॉइड की कोई भी ऐप आप सर्च कर पाओगे, ठीक है ना। अब मान लो दोस्तों मैं वैसे ही टी को सर्च करता हूं, टी को सर्च करने के बाद मेरे पास आया टिकटॉक, टिकटॉक को मैं सर्च कर लेता हूं भाई लोग। टिकटॉक को सर्च करने के बाद दोस्तों थोड़ी सी लोडिंग होगी, तो वो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि भाई इंस्टॉल मोर डिवाइसेस, यानी कि मेरे पास दो ईमेल्स हैं, यानी कि दो स्मार्टफोन्स के ऊपर है, तो यहां पर सिर्फ आपको इंस्टॉल का देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने एक ईमेल जो है वो जीमेल है, ठीक है, जीमेल मैंने एक तो कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ, लॉगिन किया हुआ, एक मेरे स्मार्टफोन के ऊपर है, जिसकी वजह से मुझे ये ऑप्शन देखने को मिला। मोर पर मैं क्लिक करता हूं, यानी कि इंस्टॉल पर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां पर इंस्टॉल कर सकता हूं। लाइक यहां पर आप देखेंगे कि इंटरनेट पर थोड़ा सा स्लो चला, हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद मैं यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आप सीन देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या आता है। और यहां पर दोस्तों अभी देख पाओगे कि लाइटरूम फोटो एंड वीडियो एडिटर की ऑप्शन के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, और यहां पर इंस्टॉल का कहा जा रहा है कि भाई अगर मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूंगा, यानी कि क्लिक करूंगा, तो भाई लोग ये इंस्टॉल हो जाएगा। लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं कि क्या सीन होता है, तो भाई लोग यहां पर देख लेते हैं। अभी लोडिंग होने के बाद हमारा जो है वो पता चलेगा कि क्या सीन बनता है। अब देख पाओगे कि हमारा जो है वो यहां पर जो है लाइटरूम फोटो एंड वीडियो एडिटर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग इजीली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चला है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल लगी होगी, तो लाइक जरूर कर देना।